हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। दोस्तों, जब पैनी शेयर की बात आती है और आईटी कंपनी का ये पैनी शेयर ध्यान में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, जब मैंने इसको बाय किया था तो 1.89 रुपये के आसपास मैंने इसको बाय किया था। दोस्तों, आज इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8.74 रुपये हो रहे हैं। यहाँ 1% आज भी यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ गया है BSE में। वहीं अगर NSE की बात करें तो 4% का सर्किट यहाँ पर आपको दिखा देगा और 8.5 रुपये का भाव यहाँ पर आपको NSE में दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इस स्टॉक में खासियत क्या है और क्यों इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको क्यों आपको बाय करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताना होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बना रहा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बात करेंगे इसके 1 महीने की चार्ट की। अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के चार्ट के अंदर 151% के रिटर्न इसने निकाल करके दिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। वहीं 1 साल की बात करें तो 822% के रिटर्न। अगर 1 साल पहले इस कंपनी में आपने 10,000 रुपये लगाया होता फ्रेंड्स, तो आपका 80,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता, 82,000 रुपये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साल में हो जाता। इतना पैनी शेयर की बात तो ठीक है, कोई बड़ा कंपनी का शेयर भी ले सकते हैं आप, लार्ज कंपनी का शेयर भी आप लेंगे तो इतना बेनिफिट आपको नहीं देने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे को डबल कर देगा, लेकिन इतना 800 गुना नहीं करेगा, कोई भी शेयर नहीं करेगा जो कि शेयर आपको करके दे रहा है। तो दोस्तों, इसके कुछ फंडामेंटल्स और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इसके फंडामेंटल्स अगर देखें, इसमें काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, भविष्य में इस कंपनी की डिमांड क्यों रहने वाली है? दोस्तों, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, आईटी बेस्ड कंपनी, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कामकाज कंपनी का बहुत ही अच्छा कामकाज चल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट इसके देखें तो बहुत ही शानदार है। वहीं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 19% के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स की होल्डिंग कम से कम 40% रहनी चाहिए, वो शेयर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। पब्लिक की होल्डिंग्स अगर आप देखें तो 80% से ऊपर है दोस्तों, लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी कम होने के बावजूद आप ईयर वाइज देख सकते हैं, ईयर टू ईयर काफ़ी कम होल्डिंग्स है, फिर भी शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं पर अगर इसकी कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, नेट कैश फ्लो तो देख सकते हैं, पहले प्लस में था फिर माइनस में हो गया, लगातार माइनस में बना हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर्स में इसका नेट कैश फ्लो बिल्कुल जीरो हो गया। अगर इसके टोटल एसेट्स की अगर बात करते हैं तो टोटल एसेट्स भी यहाँ पर देखेंगे तो लगातार ईयर टू ईयर बेसिस पर आपको कम होते हुए दिखाई दे जाएंगे फ्रेंड्स। अगर इसके रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी आपको कम होते हुए दिखेंगे लगातार, ईयर टू ईयर आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स यहाँ कम होते जा रहे हैं। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर इसके कर्जे की बात करें तो इसका कर्जा लगातार कम होते जा रहा है और आप इसे डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है दोस्तों। अगर इसके प्रोस और कॉन्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके प्रोस और कॉन्स में देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। इसके प्रोस में सिर्फ एक ही पॉइंट, लेकिन इसके कॉन्स में देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कि आप इस शेयर को खरीदने के लिए, शेयर को बाय करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो स्टॉक 8, 9, 10 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद से लगातार ट्रेड करता गया 2012 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैनी शेयर बनकर रहेगा। इसका रीजन ये दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी। जैसे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पर घटानी शुरू की, ये सिर्फ और सिर्फ पैनी शेयर बनकर रह गया। लेकिन 2020 के एंड से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो शेयर आपको वापस से ट्रेड करता हुआ लगातार ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ। और जो इसका जो लिस्टिंग प्राइस थी 11-12 रुपये, बहुत जल्द उसको ये टच कर लेगा दोस्तों, आप कह सकते हैं 1-8 महीने में इसको ये टच यहाँ से कर लेगा। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में आप देख सकते हैं लगातार पैनी शेयर बनकर रह गया, लगातार ट्रेड करते भी जा रहा है। पिछले 3 साल की तो हमने आपको बता ही दिया यहाँ पर दोस्तों, पिछले 3 साल का रिजल्ट आप देखें तो 4000% के रिटर्न्स इसने पिछले 3 साल में यहाँ पर बना करके दिए दोस्तों, 4000% के। अगर आपने 1000 रुपये लगाता तो 40000 रुपये हो जाता दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाता। अगर आपने 1000 रुपये भी इसमें डाल दिया होता और डाल करके भूल गए होते 3 साल पहले, तो आज आप माला माल हो जाते दोस्तों। तो कोई भी पैनी शेयर में आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप रिस्क ले सके, क्योंकि पैनी शेयर जब बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं, अपर सर्किट लगते जाता है, लेकिन जब लोअर सर्किट लगता है तो आपके पैसे को जीरो करता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर खास बात क्या, देख लीजिए NSE में ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप BSE में देखेंगे इसको, BSE में आज का यहाँ पर देखें लगातार ट्रेड कर रहा है। तो
काफ़ी सारे पैनी स्टॉक ऐसे होते हैं कि वहाँ लोअर सर्किट लगता है तो आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं लेकिन आप एग्जिट नहीं हो पाते। लेकिन ये सॉफ्टवेयर देख लीजिए, एफसीएस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कैसा शेयर है यहाँ पर देख लीजिए, लगातार आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो कभी भी आप इसमें से एग्जिट करना चाहें तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, देख लीजिए लगातार ट्रेड करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये शेयर, बहुत ही शानदार स्टॉक है और लगातार ट्रेड कर रहा है, लगातार अपर सर्किट इसमें लगते जा रहा है, अपर सर्किट नहीं कहूँगा दोस्तों, लगातार ये ट्रेड करते जा रहा है। तो आप इसको कभी भी खरीद सकते, कभी भी बेच सकते। और पिछले एक महीने की अगर आप बात करेंगे तो 140% के रिटर्न्स, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स कहे जाते हैं पिछले एक महीने के अंदर, एनएससी में और बीएससी में दोनों जगह पर ये लिस्टेड है और काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने निकाल कर दिए एक महीने में ही। अगर आपने इसमें 10-20-50 हज़ार लगा तो आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया, तो बहुत ही शानदार स्टॉक है। तो अगर इस स्टॉक को आप खरीदना चाहें तो इस पर नज़र बना करके रख सकते हैं। और अभी इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वार्टर्स इसके पिछले कुछ गुजरे हैं और मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने बाय कर रखा है, आपको बता दूँ देख लीजिए मेरी इसके अंदर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके शेयर बाय कर रखे हैं और मुझे कितना सारा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैं इस पर लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूँ दोस्तों। जब मैंने इसको बाय किया था, जब भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और जब से शेयर की प्राइस काफ़ी सारी बढ़ चुकी है, 1 रुपये और 39 पैसे का स्टॉक था जो कि 9 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइज़र की सलाह ले लें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लेना, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट जरूर से करें फ्रेंड्स।